राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान का आयोजन बिलासपुर घुमारवीं नैना देवी से लेकर बिलासपुर के लुहणू घाट तक शोभा यात्रा निकालकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं राम भक्तों को संबोधित करते हुए किस्मत कुमार प्रांत कार्यवाह RSS ने कहा कि सभी राम भक्तों सभी हिंदू परिवारों को मंदिर निर्माण के काम से जोड़ने के लिए एक समर्पण निधि अभियान का आरंभ हिमाचल प्रांत के माध्यम से बिलासपुर में शोभा यात्रा निकालकर इसकी शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि कोई भी घर न छूटे, कोई भी दूर दराज का क्षेत्र न छूटे तथा कोई भी बाल गोपाल ऐसा न छूटे जिसको भविष्य में ऐसा सोचने का अवसर मिले कि मेरा भगवान राम के जन्म स्थान पर राम मंदिर के निर्माण में योगदान करने से कहीं मैं छूट तो नहीं गया। उन्होंने बताया कि हम सबको मिलकर राम के चरित्र को आने वाली पीढ़ियों को जीवित रखने के लिए तथा भारत के भविष्य के प्रेरणा केंद्र के लिए कुछ न कुछ करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने अपना सहयोग भी दिया है। हम सब भगवान श्री राम के जन्म स्थान के ऊपर भव्य मंदिर निर्माण का जो कार्य का जो प्रारंभ भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिसका शिलान्यास और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक मोहन राव भागवत जी की उपस्थिति में और इस देश के शीर्षस्थ संतों के आशीर्वाद के सानिध्य में 5 अगस्त 2020 को जिस काम का प्रारंभ हुआ था, उसी श्रृंखला में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास क्षेत्र की ओर से संपूर्ण देश में एक सभी राम भक्तों को सभी हिंदू परिवारों को उस मंदिर निर्माण के काम से जोड़ने के लिए एक समर्पण निधि अभियान का प्रारंभ अपने हिमाचल प्रांत में भी प्रारंभ हो गया है। आज बिलासपुर जिला ने आज इस शोभा यात्रा के माध्यम से समाज में एक जागरूकता की दृष्टि से कोई घर ना छूटे, कोई दूर दराज का क्षेत्र ना छूटे, कोई बालक गोपालक ऐसा ना छूटे कि जिसको भविष्य में ऐसा कभी सोचने का अवसर मिले कि मेरा भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर निर्माण में योगदान करने से मैं कहीं चूक तो नहीं गया, कहीं छूट तो नहीं गया, क्योंकि हम सबको मिलकर के राम के इस चरित्र को आने वाली पीढ़ियों को जीवित रखने के लिए इस भारत के भविष्य के प्रेरणा केंद्र के लिए कुछ ना कुछ करने का अवसर प्राप्त हुआ, हमारे लिए यही बड़े भाग्य की बात है। आज बिलासपुर जिला ने जिस कार्यक्रम की एक रचना यहाँ पर